इतना रैंक करता बाबू यस सर ना यस कोई बात नहीं गोल्ड आ गया तो अच्छी बात है किस्मत अच्छी है बहुत अच्छे कर्म करके आया वो तो इस मीटिंग में आ गया दोस्तों हम बहुत सौभाग्यशाली हैं हमें अपनी केस जैसा प्लेटफॉर्म मिला मैं रियलिटी बताऊं मेरा नाम कुलदीप मुदगिलर मैं रोहतक हरियाणा से और इस बिजनेस में पिछले 6.5 साल से आज जब मैं सोचता हूँ जिस रैंक पे आज हम हैं इस साल में जो मेरी इनकम की बात करूँ तो इसी साल में मैंने पिछले 14 महीने में ब्लैक डायमंड और रॉयल डायमंड इकट्ठा ही हुआ 1,92,00,000 रुपए 14 महीने में इसलिए बिजनेस मैंने 5 साल में कमाया था उस तरह ही मैंने 14 महीने में कमाया मतलब 17 महीने में 2 करोड़ प्लस आया उतना ही 5 साल में 2 करोड़ आया समझ रहे हो अगर आप 20 साल में जाएंगे तो जितना आज तक कमाया इतना ही हो रहा है लेकिन बिजनेस में ये कैलकुलेशन हर किसी को पता नहीं होता बिजनेस टूटता है बिजनेस कई बार ही क्योंकि हर सफल आदमी जो भी सफल होता है जब आप इस रेंज पे होगे मैं डायमंड था जब मेरी टीम जीरो हुई थी अजय सर ने बहुत अच्छे से बताया मैं कपाल था जब मेरी टीम जीरो हुई थी मेरा बिजनेस लगभग 4 से 5 बार जीरो हुआ है पर मेरे को पता है जिंदगी में ऊपर वाला सफल तभी करता है जब आपको हर परेशानी से आगे निकालता है परेशानियां जब आती हैं दिक्कतें जब आती हैं तो हमेशा ये सोचना ये परेशानियां झेल लोगी क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में अगर सफल है तो उसके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है यस और नो यस पर हम क्या करते हैं मैं आपको रियलिटी बताऊं आप लोग क्या महसूस करते हो अपने बारे में मेरे को नहीं पता पर मैं रियलिटी बताऊं पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ अगर टीम है तो अजीत सैनी सर की मैंने लिखी थी किसी ने 2 साल किसी ने 4 साल किसी ने 5 साल किसी ने 10 साल किसी ने 15 साल बहुत धक्के खाए बहुत दिक्कतें सहने की हैं तब जाके एसली पीएस जैसा प्लेटफॉर्म मिला है हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं अगर हमें पहली ही कंपनी एसली पीएस जैसी ब्रांड कंपनी मिल गई है इस बात को पहले यहाँ से फील करना जितने भी आज अचीवमेंट देखते हो आप एसली पीएस में सबसे फास्ट अचीवमेंट आप लोगों की सबसे अच्छी किस्मत लेके आए हो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे पिछले कई जन्मों में आप लोगों ने अगर जो पहली कंपनी एसली पीएस मिली है जिन भी लीडरों को देखते हो आप उनका पहले का एक्सपीरियंस मेरे को भी ऐसा लगता था जब मैं इस कंपनी में आया मैं 51 डेज में गाड़ी अचीवमेंट की बड़ी फास्ट ग्रोथ चल रही थी फिर कुछ ऐसे लीडर आए जिन्होंने 2,000 बैटिंग की मैं डायमंड रैंक पे था डायमंड में मेरी टीम जीरो हुई कुछ लीडर आए 1 साल में डायमंड ब्लू डायमंड ब्लैक डायमंड रॉयल डायमंड लोग बोलने लगे मैं भी मेरे लोग बोलने लगे सर ये लोग इतनी फास्ट कैसे जा रहे हैं अंदर से फील आता है कि यार हम तो बहुत कमजोर हैं हम तो ये हमारा बिजनेस तो चल नहीं रहा है इनका तो बहुत ज्यादा चल रहा है सर नो यस आता है नहीं आता आता है होता होगा भी यस होता है ना यहाँ से यस मेरे दोस्त ये सब के साथ होता है आपके साथ कुछ अलग नहीं नहीं हो रहा इसी सोच सोच में बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं बहुत सारे लोग बिजनेस में पीछे रह जाते हैं वो दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं अरे कंपेयर करना तो टाइम के अकॉर्डिंग कर डायरेक्ट सेलिंग में आपने कब कदम रखा और उन्होंने कब कदम रखा था यस और नो यस तो मेरे दोस्त जिंदगी में जब मैं किसी से मिलता बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपसे बाद में आने वाले लोग बहुत बड़े बड़े रैंक कर गए मैंने कहा दोस्त अगर जिंदगी में कामयाबी देखनी है तो टाइम के अकॉर्डिंग देख ली उन्होंने वो हालात देख चुके वो उतार चढ़ाव देख चुके उनकी टीम 10 बारी 15 बारी जीरो हो चुकी तो वो दोबारा टीम स्टैंड कर चुके तो आज उनको वो एक्सपीरियंस है टीम जीरो होने के बाद उठना कैसे हमें लेना पड़ेगा यस और नो यस हमने तो यहीं आके लोगों को जोड़ा यहीं से टीम जीरो हुई यहीं से एक्सपीरियंस लिया अगर हमें पहले भी एक्सपीरियंस होता तो हम तो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे थे पर उतार चढ़ाव तो देखना पड़ेगा पर ये बात किसी को फील नहीं होती ये बात हर कोई समझना नहीं चाहता मेरा बिजनेस बहुत बार जीरो होने के बाद मैंने एक चीज देखी थी आप में कैपेसिटी कितनी आपको प्लान करना आता है सभी को यस क्लोजिंग आती है यस क्लोजिंग आती है सर यस
फॉलो अप आता है yes. ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन आते हैं yes. फिर भी 5000 से नीचे चेक कैसे रह जाता है? अरे चलो कोई काम नहीं कर रहा, मैं मान लेता हूँ आज यहाँ 50 लोग बैठे हैं, कितने लोग 50 50 आदमी अगर अच्छे से काम करना जानते हो, प्लान करना जानते हो और मार्केट में सुबह से शाम तक जाएं, हफ्ते में 500 एसपी नहीं निकाल सकता, तो निकालते नहीं, कहीं ना कहीं हम टीम के भरोसे हो जाते हैं। किसके भरोसे? लीडर बन जाते हैं लोग मेरे दोस्त, जैसे ही टोपाज रूबी स्टार स्क्वायर बनते हैं घर से निकलना बंद कर देते हैं, प्लान करना छोड़ देते हैं, पर्सनल एसपी निकालना छोड़ देते हैं। मैं आपको हर टारगेट में बता दूंगा, जब जोधपुर जैसलमेर चल रहा है yes. इस टारगेट में भी, इससे पहले टारगेट में भी, हर टारगेट में मैं एक नए पर्सन को अचीवर बनाता हूँ। आज भी न्यू पर्सन जिसको मैं मेरे हाथ से बनाता हूँ, जिसको मैं खुद सिखाता हूँ, खुद जाता हूँ ग्राउंड टू, उसके प्लान मैं करता हूँ, उसकी क्लोजिंग मैं करता हूँ। ये जगदीश मिश्रा सर को मैं आज से 8 महीने पहले लेके आया था, इसके पास सिंगल कोई अप्लाई नहीं गया, डायरेक्ट कौन गया? गया 3-4 बारी में। अब अगले 3 महीने बाद आपको कोई नया लीडर दिखाऊंगा, फ्रेशर हो चाहे लीडर हो कोई भी। आप ये बताइए जोधपुर जैसलमेर में आप टोपाज हैं, रूबी स्टार हैं, प्लेटिनम हैं, स्पायर हैं, गोल्ड हैं, कुछ लीडर अमराल्ड हैं, अमराल्ड लीडर अगर दो लोगों के साथ लगे तो दो लोगों को जोधपुर जैसलमेर नहीं निकाल सकता, पर हम क्या करते हैं 50 के साथ लग जाते हैं। कितने लोगों के साथ? 50। कितने लोगों के साथ? 50 के। हमारा क्या है, हम भाग बहुत ज्यादा रहे हैं, आप मेहनती बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर हम क्या है मेहनत तरीके से नहीं करते, समझ रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमेशा याद रखना, लाखों लोगों को कामयाब नहीं कर सकते आप, हजारों लोगों को कामयाब नहीं कर सकते आप, 100-200 लोगों को भी कामयाब नहीं कर सकते आप, केवल 10-20 लोगों को कामयाब कर सकते। आप 20 लोगों की जिम्मेवारी ले लो, 20 आगे 20-20 की ले लेंगे, 20 आगे 20-20 की, तो पूरा काफिला खराब हो जाएगा। पर आपकी कोर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग, उनके चेक नहीं बन रहे, आप नीचे नीचे भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं है। नहीं है कोर का मतलब होता है जिसको आप पूरा काम सिखाओ और हफ्ते का 500 एसपी। अगर मैं किसी गोल्ड लीडर से, प्लेटिनम लीडर से पूछूं, अगर मैं पूरा दिन अगर काम करता हूं, मार्केट में रहता हूं, मेरे पास कोई काम करने वाला केवल एक ही लड़का है, अगर मैं उस लड़के के साथ बोल दूं कि आज प्रोडक्ट ऐसे हैं, 81 प्रोडक्ट हो चुके हैं कंपनी में, यस और नो? यस। तो आज तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो हर घर की नीड है, चाहे हर कोई पीता है, पीता है नहीं पीता yes. और चाहे अगर हमारा किसी को यूज करवाए तो हर कोई दोबारा डिमांड करेगा, करेगा या नहीं करेगा yes. तो आज प्रोडक्ट सेल से ज्वाइनिंग से 500 एसपी नहीं निकाल पाता लीडर, और फिर बोलता है सर मेरा धंधा नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? मैंने कहा बेटा आप धंधे पे फोकस ही नहीं कर रहे, आप देख रहे हो फेसबुक, आप देख रहे हो व्हाट्सएप, आप देख रहे हो बड़े बड़े चेक, बड़े बड़े चेक करोड़ों रुपए के चेक भी पहले छोटे चेक से जाते हैं। मेरे डायमंड पे तो आपके कुछ भी हालात नहीं है, मेरे डायमंड पे मेरी टीम के सभी एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, स्पायर सब छोड़ गए, एमराल्ड भी नहीं बचा था कोई, फ्यूचर मेकर, फ्यूचर मेकर और वो और ऐसे लोगों ने खोली थी जो मेरा पिछला हालात भी जानते थे और फिलहाल का भी जानते थे, समझ रहे हो? रोज नेगेटिव आते हैं घर के, आपके घर के पास ही कंपनी खुली हो, और गांव में वो लोग ये कहते हैं हम तो मालिक ही है, तो नौकर है, हम बन गए मालिक 2 साल में, कितने साल में? 2 साल। ये जलवा करेंगे, वो जलवा करेंगे, पूरे गाँव में लड्डू बट गए, इतने करोड़ का टर्नओवर करेंगे, 2 साल तक बहुत धुआंधार बैठे थे उन्होंने, समझ रहे हो मेरी बात? yes. पर हमें पता था भविष्य, हमने अपना माइंड नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं लगाया, मैंने उनको तुरंत ब्लॉक किया फेसबुक से, मैंने उनसे मिलना ही छोड़ दिया, मिलना छोड़ दिया, मैंने कहा इनसे ज्यादा मिलूंगा तो माइंड में नेगेटिव विचार आते रहेंगे। मेरे पास एक ही लड़का था उस टाइम पे जो फुल टाइमर था, नेमीचंद चौधरी, मैंने उसी के पास ट्रॉली बैग उठाया, वहीं पहुंच गया, मैंने कहा मेरे में दम है, मैं प्लान करना जानता हूँ, फॉलो करना जानता हूँ, तो हफ्ते का 500 एसपी तो निकाल सकता हूँ, कहीं भी बैठूंगा निकलेगा नहीं निकलेगा, अब 500 से 1000, 1500, 2000 पे धीरे धीरे पहुंचा ही जाएंगे, पर मैं निकालू 500 भी नहीं, बैठा रहूं, सोचता रहूं, देखता रहूं कुछ होगा, ये तो छोड़ के चले गए, उस दुख में बैठा रहूं क्या होगा, तो 500 से भी 0 पे आ जाऊंगा 6 महीने बाद, जेब में तेल के भी पैसे नहीं बचे। और ऐसा ही लीडरों के साथ होता है, वो दुख मना रहते रहते हैं 2 महीने तक, वो छोड़ गए चले गए, उस दुख दुख में सब बर्बाद हो जाता है, जब भी प्रॉब्लम आए तो मेहनत डबल करनी पड़ती है,
और मामचंद सर ने मेरे को टोपाज पे जब मैं जीरो हुआ था तब एक बात बताई थी जो मेरी डायरी में आज भी नोट है। मामचंद सर के पास ऊपर ही बैठा था, मैंने कहा गुरुजी टोपाज पे मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, मैं जैसे ही मेरा बिजनेस डाउन जाता है मैं मिठाई का डिब्बा लेता हूँ और अपलाइन के पास पहुंच जाता हूँ, मिठाई का डिब्बा लेती ऐसे नहीं, मेरा धंधा जीरो हुआ मैं आज तक मेरे अपलाइन से पूछ लेना मैंने कभी प्रॉब्लम नहीं बताई। सर मेरे साथ ये हो गया, मैंने मिठाई का डिब्बा लिया, मैं सर के पास आया, मैंने कहा सर मिठाई खाओ मेरा बिजनेस जीरो हो गया। बोला यार क्यों? मैंने कहा सर मिठाई आप खाओगे तो कुछ बताओगे? यस और नो? यस। मैंने कहा आगे करना क्या बस ये बताओ, ये हालात तो बहुत बारी रहे होंगे आपके साथ। यस और नो? यस। तो मामले सर ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में हमेशा याद रखना ये रेत का महल है, प्लास्टिक पत्तों का महल है, कभी खर जाएगा मालूम नहीं है, बनाना आना चाहिए, जिसको बनाना आता है उसको डर नहीं लगता। तो मेरे दोस्त जब भी बिजनेस जीरो हो या कोई छोड़ के चला जाए ये सोच रहे ना अपनी काबिलियत दिखाने का टाइम आ गया, इसका टाइम आ गया। खत्म हो गया, और लोग चाहते भी कब ये खत्म होए, लोगों को ये लगता था ये इसका बिजनेस तो किसके भरोसे चल रहा है, हमारे भरोसे चल रहा है, आप फिर रोहतक के बोलते थे मंजी तोड़ देते हो, बोला हम हैं तो चल रहा है नहीं तो हम छोड़ दे तो कितना चल। संजीव सराजन सर के सामने मैंने कहा भी छोड़ के देख लो ना, मैंने समझाया बहुत कोशिश की मनाया भी, समझ रहे हो, मानने को तैयार नहीं। उनको लगता था ऐसा, मैंने कहा भाई जब मैं तुम्हारे साथ महीने में से 20 दिन रहता हूँ, प्लान मैं करता हूँ, फॉलो अप मैं करता हूँ, तो ये काम कहीं और जाके करूंगा तो पैसे आए। और ये नहीं है कई बार गधों के साथ भी लगना पड़ जाता है, जब घोड़ा नहीं होता तो गधे के साथ भी कुछ सफर करना पड़ जाता है, लेकिन याद रखना गधा छोड़ के जाएगा वो घोड़ों की रेस में कभी खड़ा नहीं हो सकता। रैंक कोई भी करवा देना चाहिए आप, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के रैंक करवा दी जिसको बाइक चलानी नहीं आती, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेज पे नहीं आए, स्पायर हो गया, मैंने सोचा रैंक के बाद बदल जाएंगे, पर जिंदगी में वो कदे थे कदे ही रहना है, घोड़े नहीं बनना, रैंक भी हो गया, चेक भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, सभी भी वही थे वो। मेरे दोस्त जिंदगी में हमेशा याद रखना अगर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो लोग अपने अकॉर्डिंग आपसे काम करवा, आप तो पांच हो, आप रूबी स्टार हो, आप गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, रूबी स्पायर हो, स्टार स्पायर हो, डायमंड हो, तो ये मत सोचना बिजनेस जीरो हो जाएगा तो दोबारा फ्रेशर की तरह काम करना पड़ेगा ना, या कोई छोड़ के चला जाएगा तो दोबारा फ्रेशर की तरह काम करोगे नहीं। आज आपको अपनी रैंक की मर्यादा को समझना चाहिए कि आपके पास रैंक क्या, आज आपका ओरा बहुत बड़ा है, अचीवमेंट बहुत बड़ी है, आज आपने 1.5 लाख रुपए कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 7 लाख रुपए कमाया, आज अनिता मैडम अगर एक ही प्लान देते घूमे तो कोई फायदा नहीं। Yes or no? Yes. तो जिंदगी में आप सोचो सर आपके पास एक ऐसा हो रहा है, ऐसी बातें हैं, आप बोलना जानते हो तो आप भीड़ से मिलो ना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे। मैं नेमिंगटन सर के पास गया तो सिंगल प्लान नहीं किए, मैंने कहा गांव इकट्ठा कर, क्या कर गांव इकट्ठा कर, नेगेटिव पॉजिटिव को आया पॉजिटिव मैं करूंगा, गांव को ले ऐसे ही प्लान भी मैं करूंगा, पॉजिटिव मैं करूंगा। उसने गांव में गोवा दिलवाया, 100 रुपए दी, पूरा गांव इकट्ठा कर दिया। अब अगला काम किसका है? मेरा काम एक ही था, ज्यादा जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं मिलूंगा उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करूंगा। आप मिलते कितने लोगों से, मुद्दा इस बात का है, आज भी आप लोग कई लोग फ्रेशर वाला काम कर रहे होंगे, प्लान कैसे करते हो सिंगल, अरे आपकी पर्सनालिटी, आपका और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप 10-20 लोगों के से कम एक जगह पे मिलो ही मत ना। सिंगल प्लान कौन करता है, जिसको प्लान करना उसको फेस वैल्यू से कन्विंसिंग से जोड़ना पड़ता है। अरे जब आपको सारे ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन आते हैं, कंपनी का प्लान आता है, प्रोडक्ट आता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ जानते हो, तो आप किसी पर्सन के पास जाओ तो उसको बोला आप पड़ोस को सबको इकट्ठा कर, एक प्लान की बजाय इकट्ठे 20 प्लान होंगे। yes. Yes. अगर ऐसी 2 मीटिंग अगर आप डेली रखें, रैंक है सर आपके पास, टोपाज अमराल्ड, फिर भी सिंगल बंदे मिलने के लिए 200 किलोमीटर चले जाते हैं लोग, वो जाते ही बंदा आ जाता हवा में, क्यों? क्योंकि अकेले से मिलने गए, उसको लगता है इसको मेरी इनको जरूरत है, वो जाते ही बोलता है मैं एक पेस्ट दो और एक तुलसी दो मैं यूज करूंगा फिर बताऊंगा। एक पंच तुलसी और पेस्ट ही बेच रहा था अपने पड़ोसी को, बेच देते इतने दूर जाने की जरूरत क्या थी। सिंगल बंदा अगर कोई बोले मेरे को काम करना सर मिलने आ जाओ, मैं मिलने आ जाओ, सर आप ही आ जाओ कोई बात नहीं, मिलने जाना नहीं, हम बागा थोड़ी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम
ये गलती मैंने भी बहुत की, समझ रहे हो मेरी बात? यस। क्लियर हो रहा है? यस। आपको आज हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी है, आप भीड़ से मिलो, सिंगल सिंगल पर्सन से मत मिलो। सिंगल पर्सन को मिलना है तो बुलाओ, चल के आएगा तो काम करेगा, आप चल के जाओगे तो काम और उसका वही पता लग जाएगा। अगर कोई आदमी अंबाड़ा से बोलता है कि मेरे को काम करना है और मैं रोहतक से गाड़ी उठा के अंबाड़ा जाऊं, तो इससे बढ़िया बोलो सर आप अंबाड़ा से रोहतक आ जाओ, मिलते हैं सर, बताएंगे आपको काम। yes. सही है? yes. आपको यहाँ रुको, एक दिन रुको, दो दिन रुको, खाने पीने का खर्चा हमारा रहेगा, आप आराम से रुको, आप 400-500 रुपए वहां लगा के आओगे, इससे बढ़िया धर्मशाला में रुको, 200 रुपए में कमरा मिल जाएगा, 200 रुपए में खाना मिल जाएगा। सही है? yes. ये काम मैंने जिस दिन से करना स्टार्ट किया है इसी तरीके से, मैंने बहुत अच्छे से देखा कि इस बिजनेस में, मैं आज ऑल इंडिया में बताऊं तो डायमंड से ब्लू डायमंड में बनने में मेरे को 2 साल लगे, इतने साल ये टाइम निकलता है, पर ये मुसीबत का टाइम होता है, ये निकालना पड़ता है, बस लगे रहो, क्या चेक नहीं टूटना चाहिए, क्या नहीं टूटना चाहिए, अगर बेसिक नीड के खर्चे अगर खत्म हो गए या ऐसी प्रॉब्लम आई तब आदमी टूटता है। और आज भी बिजनेस शुरू कर लो, मैं आज भी कहता हूँ इसी हफ्ते से 10,000 रुपए का चेक अपने दम पे फिर बनेगा, क्योंकि मामथन सर ने मेरे को एक बात बोली थी सिंपल सी, जब मेरा टोपाल में बिजनेस जीरो हुआ था तो मेरे सामने बैठे थे मामथन सर, बोला बेटा बैठ, मैंने कहा सर बताओ, बोला जिस दिन आप पहले दिन आए थे आपके पास क्या था, मैंने कहा एक छोटी सी डिस्क और बाइक थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो किसी से मांगे थे, जूते किसी दोस्त से लिए थे क्योंकि मैं फॉर्मल शूज पहनता नहीं था, ये सुन लो। तो दोस्त मामथन सर ने कहा जब आपके पास कार नहीं थी, कपड़े नहीं थे, अचीवमेंट नहीं थी, जिंदगी कर्जे में चल रही थी, तब आपने 51 डेज में क्या किया था, 318 लोगों को ज्वाइन करवाया, आज क्या किया है, मैंने कहा सर 4-5 कोट पैंट भी है, 2-3 जोड़ी जूते भी होंगे, एक स्विफ्ट गाड़ी है और रेंट है, तो पास क्या है, तो आज लोग ज्यादा जुड़ने चाहिए कम जुड़ने चाहिए, ज्यादा जुड़ने चाहिए कम जुड़ने चाहिए, तो आज हो रहा अच्छा है या बुरा है, अच्छा अचीवमेंट है, चेक दिखाने के लिए सब कुछ है, फिर भी जब आप फ्रेशर थे, जब हफ्ते का 5वां एसपी निकाल लेते थे तो 5,000 एसपी क्यों नहीं आता, क्योंकि हम बन गए लीडर, क्या बन गए लीडर। और बेटा मेरे को मामले में एक ही बात बोली, बोला बेटा जिस दिन आप लीडर बन गए नेटवर्क मार्केटिंग में उसी दिन सोच लेना आपका पतन स्टार्ट है, जिंदगी में हमेशा फ्रेशर बन के काम करना, कैसे बन के जिंदगी में आपको कोई तकलीफ नहीं, जिस दिन आप टीम के भरोसे बैठ गए, अब टीम काम करेगी तो मैं कमाऊंगा, टीम बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। सर मैं आपको रियलिटी बता दूं, टीम आपको देख के इंस्पायर होगी। yes. इसको जो मेरे पास 10 लीडर है 20 लीडर है, मैं आपको बताऊं मेरी टीम में आज बहुत सारे लीडर ऐसे जो मेरे को फोन भी नहीं करते, समझ रहे हो, मैं आराम से बैठ के हर हफ्ते की अगर बात करूं तो मेरी टीम में 1,000 से 1,500 लोगों के बीच में हर हफ्ते लोग ज्वाइनिंग होते हैं, हर सप्ताह, पिछले 1.5 साल से लगातार कैंपिंग पे हूं, लगातार कैंपिंग चल रही है, मैं आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टोपाज है या अमराल्ड है या प्लेटिनम है या गोल्ड है जिनसे डायरेक्ट मैं बातचीत करता हूं। आप एक लीडर को चलाओ 500 एसपी पे आ जाए, फिर दूसरे को पकड़ो, फिर तीसरे को, लेकिन पहले एक को ही लेके आओ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की जगह। क्लियर हो रहा है? yes. समझ में आ रही मेरी बात? yes. और मैं नहीं मानता आपके पास लोग नहीं होंगे, सबके पास लोग तो हैं, 2, 4, 5, 10 हैं या नहीं है, yes. हैं? yes. आपसे लोगों से भी मिलवा सकते हैं, मिलवा सकते हैं, नहीं मिलवा सकते हैं? yes. yes. तो पहले किसी के साथ आप लगी लोगों से मिली और जल्दी से जल्दी उसको अपने जैसा बनाइए, उसको सिखाइए, सिखाओगे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाओगे गारंटी है, एक को सिखाइए फिर उसकी बोनस में दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, नीचे 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 सिखाते जाइए, और ऊपर वालों को अगर सिखाया, अगर आपके पास 20 लीडर हो जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 20 लीडर 200-200 एसपी में डालेंगे तो 400-4,000 एसपी जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? yes.